गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम खेल जगत की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल के जीवन से अवगत होंगे कि साइना जो है बैडमिंटन की दुनिया में किस तरह से उभर करके सामने आई। देखिए, खेल जगत में भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में उज्जवल नक्षत्र के रूप में उभरने वाली साइना नेहवाल अपने खेल के प्रति पूरी तरह निष्ठावान थी। अत्यधिक परिश्रमी, दृढ़ संकल्पी, निश्चयी, प्रतिभा की धनी साइना स्वभाव से कोमल और सीधी सादी थी। इतनी कम उम्र में उसने इतने सारे पदक और पुरस्कार जीत करके भी उसके अंदर लेस मात्र का अहंकार नहीं है और सबसे हंस करके बातें करती है। उनकी मोहक मुस्कान जो है सबको अपनी ओर खींचती है। तो आज का हमारा नया लेसन है लेसन 15, साइना नेहवाल। लंदन ओलंपिक में शनिवार 4 अगस्त 2012 को बैडमिंटन के एकल मुकाबले में कांस्य पदक जीतकर साइना नेहवाल ने भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। इसके साथ ही साइना ओलंपिक गेम्स में पदक हासिल करने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। हालांकि इसमें भाग्य ने भी दुनिया के 5वें नंबर की इस भारतीय खिलाड़ी साइना का साथ दिया। तीसरे स्थान के मैच में पिछड़ने के बावजूद दूसरी वरीयता प्राप्त चीन की वैग जीन के चोटिल होकर हट जाने से साइना नेहवाल का कांस्य पदक जीतना सुनिश्चित हो गया। चीन के वैग जीन के चोटिल चोट लगने से उसका खेल से निकल जाने से साइना की जीत जो है वो निश्चित हो गई। कांस्य पदक के हकदार बनकर जब वे कोर्ट से बाहर निकल रही थी तो उन्हें बधाई देने वालों की भीड़ थी। हर कोई उन्हें इस उपलब्धि के लिए प्रसन्न मन से बधाई दे रहा था, पर वे किसी से मुस्कुरा कर तो किसी से कुछ अनमने भाव से धन्यवाद कह रही थी। तथा वो अंदर से बहुत खुश नहीं थी। ओलंपिक पदक जीतना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। जीत कर पदक हासिल करती तो बात ही कुछ और होती। भले ही पूरा देश साइना के इस पदक पर झूम रहा था, खुशी मना रहा था, लेकिन साइना स्वयं उतनी खुश नहीं हो पा रही थी। मानो उन्हें कहीं कुछ खटक रहा था। जीत के तुरंत बाद साइना से पत्रकार अनंत मिश्र की फोन पर कुछ बातचीत हुई। उस बातचीत का कुछ अंश जो है यहाँ उन्होंने प्रकट किया है। देखिए, वहां जो है संवाददाता पूछते हैं, कैसा लग रहा है कांस्य पदक पाकर? बता नहीं सकती। ओलंपिक के पदक पाने का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन चीन के वैंग को हराकर न जीत पाई, इसका अफसोस है। पर ये खेल है, पदक भी मायने रखता है। भारत की पदक तालिका में बढ़ोतरी हुई, इजाफा हुआ, ओलंपिक में अपने प्रदर्शन को कैसे दिखाती? मेरे लिहाज से ठीक रहा, सेमीफाइनल में जिसे हारी वो टॉप सीड थी। वो कहती हैं सेमीफाइनल में जिससे मैं हारी हूँ वो साफ वो जो है आप टॉप सीड पर थी। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली अन्य 3 खिलाड़ी मुझे ऊंची सीड वाली थी। सेमीफाइनल में कुछ थकी नजर आ रही थी। ऐसा नहीं है, संवाददाता पूछता है कि सेमीफाइनल में जो है आप कुछ थकी हुई लग रही थी, लेकिन उनका जवाब था ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं सेमीफाइनल के अपने खेल से संतुष्ट नहीं थी। साइना कहती है कि सेमीफाइनल में जो कुछ मैंने खेला उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, मेरे मूवमेंट ठीक नहीं थे। क्वार्टर फाइनल में जो मेरे खेल की मजबूती थी वो सेमीफाइनल में दिखाई नहीं दी। जजमेंट ठीक नहीं था, लगता है कि वो मेरा दिन नहीं था। साइना ने कहा कि लगता है कि सेमीफाइनल का दिन जो है वो मेरा नहीं था। कहीं सेमीफाइनल का हार का असर तो कांसे की लड़ाई में असर नहीं डाल रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। साइना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, खेल में तो ये सब कुछ होता ही रहता है। कभी कोई खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करता है तो कभी नहीं कर पाता है। तीसरे स्थान के मुकाबले में मैं मेहनत कर रही थी, वैग ने मुझसे बढ़िया खेला। अब आगे की क्या तैयारी है? संवाददाता साइना से पूछता है कि आगे की अब आपकी क्या तैयारी है, आप क्या करना चाहती हैं?
अब कुछ दिन मैं विश्राम करूंगी। साइना कहती है कि कुछ दिन मैं आराम करूंगी, फिर आगे की तैयारी में जुट जाऊंगी। देखा आपने, साइना नेहवाल कितना स्पष्ट रूप से बोलने वाली खिलाड़ी है। खेल भाव तो उनमें कूट कूट करके भरी हुई है, विपक्ष की प्रशंसा करने में भी वो पीछे नहीं हटती, अपने प्रतिद्वंदी की भी प्रशंसा करने में, बड़ाई करने में वो पीछे नहीं हटती हैं और नहीं हिचकिचाती हैं, और अपनी गलतियों को वो स्वीकार करती हैं। ऐसी होनहार खिलाड़ी का सम्मान करती हुई पूर्व नेशनल बैडमिंटन चैंपियन दिल्ली की मधुमिता बिष्ट का कहना है कि बेशक साइना ऐसी खिलाड़ी नहीं है जो बिना खेले कोई मैच जीतना चाहती हो। अब मधुमिता बिष्ट कहती हैं कि साइना ऐसी खिलाड़ियों में नहीं है जो बिना खेले कोई जीत हासिल करना चाहती हो। जिस जुनून और प्रतिद्वंदिता से वो खेलती है, उससे उसके खिलाड़ी होने पर नाज होता है। उसे भी इस जीत से उतनी खुशी नहीं मिली होगी, लेकिन यह तो खेल का हिस्सा है। अब मधुमिता बिष्ट कहती हैं कि उसे भी इस खेल से उतनी संतुष्टि नहीं मिली, जीत तो वह जरूर गई, लेकिन उसे वो खुशी नहीं मिली जो उसे अपने प्रतिद्वंदी को हरा करके मिलती। देश के लिए पदक जीतना उसका सपना था, आज वो पूरा हुआ। इसमें उसकी कड़ी मेहनत का पूरा योगदान था। वो पूरी तरह से इस पद की हकदार है। मधुमिता ने आगे कहा, साइना ने पहले गेम में अच्छी शुरुआत की, लेकिन बाद में वो लय कायम न रख सकी। जिस तरह से उसने खेलना शुरू किया, उस तरह से वो लास्ट तक खेल नहीं पाई, लेकिन बाद में ये लय कायम न रख सकी। इसके बावजूद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल उसने सुपर सीरीज के फाइनल में इसी खिलाड़ी को हराया था। आइए देखते हैं साइना नेहवाल की कुछ प्रमुख उपलब्धियां, उन्होंने कौन कौन से पदक हासिल किए। 2006 में 4 स्टार टूर्नामेंट द फिलीपींस ओपन में जीत दर्ज कराकर साइना विश्व परिदृश्य में प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में उभर करके सबके सामने आई। 2008 में वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर प्रथम भारतीय होने का रिकॉर्ड बनाया। इसी वर्ष उन्होंने सबसे महान उभरते खिलाड़ी के रूप में विश्व में नाम कमाया और दिसंबर 2008 में वर्ल्ड सुपर सीरीज सेमीफाइनल तक पहुंची। जून 2009 को साइना ने BWF सुपर सीरीज टाइटल जीतकर सबको चौंका दिया। अगस्त 2009 में वे वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। इसी वर्ष अगस्त में उन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। 2010 में इंडिया ओपन ग्राफिक गोल्ड स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज स्वर्ण पदक पाया। इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज स्वर्ण पदक, दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक, हांगकांग सुपर सीरीज स्वर्ण पदक। 2011 में स्विस ओपन ग्रांप्री गोल्ड स्वर्ण पदक, मलेशिया ओपन ग्रांप्री रजत पदक, इंडोनेशिया सीरीज प्रीमियर रजत पदक, विश्व चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल, सुपर मास्टर्स फाइनल्स रजत पदक हासिल की। 2012 में स्विस ओपन ग्रांप्री गोल्ड स्वर्ण पदक प्राप्त किया। थाईलैंड ओपन ग्रांप्री गोल्ड स्वर्ण पदक को हासिल किया। इंडोनेशिया सुपर सीरीज स्वर्ण पदक मिला। लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया। ओलंपिक पदक जीतने के पहले रैंकिंग में 5 नंबर पर रहने वाली साइना का जन्म, अब देखिए साइना नेहवाल का जन्म कहाँ हुआ और किस प्रकार से इनकी खेल में रुचि बढ़ती गई। साइना नेहवाल का जन्म जो है 17 मार्च 1990 को हिसार हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में हिसार नाम का एक जगह है, वहां साइना का जन्म 17 मार्च 1990 में हुआ। उनकी मां का नाम श्रीमती उषा नेहवाल है। सौभाग्य से उनके माता पिता दोनों ही हरियाणा के बैडमिंटन चैंपियन रहे। बचपन में साइना की रुचि कराटे में थी। जब वो छोटी थी तो उनकी रुचि जो थी वो कराटे में थी। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने कराटे से मुंह मोड़ लिया, कराटा छोड़ दिया और बैडमिंटन से जुड़ गई। तब से बैडमिंटन के क्षेत्र में उनके कदम तेजी से आगे बढ़ते रहे। आज उनकी झोली में असंख्य मेडल व पुरस्कार भरे पड़े हैं।
साइना अपनी इस जीत का श्रेय अपने परामर्शदाता मेंटर गोविंद चंद को देती हैं। गोविंद चंद ऑल इंडिया चैंपियन और नेशनल कोच रहे हैं। जनवरी 2010 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार और अगस्त 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला। उनके सुखद भविष्य की कामना करते हुए हम उन्हें हार्दिक दिल से बधाई देते हैं कि इस पार्ट में जो है खेल जगत की साइना नेहवाल की आगे बढ़ उपलब्धियों के बारे में बताया गया है, उनके जन्म के बारे में अवगत कराया गया है और साथ ही कैसे धीरे धीरे उनकी कराटे से बैडमिंटन में रुचि आई और बैडमिंटन की दुनिया में वो उभर करके सामने आई, विश्व पटल पर अपना एक अलग छवि उन्होंने कायम किया। तो पाठ को बच्चों ध्यान से पढ़िएगा और जो कठिन शब्द हैं उनको याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।